तो दोस्तों ये है एक सिंपल सा ग्राउंड। राम राम, जय श्री राम। हाँ हाँ, ये देखें पीछे विनोद ठाकुर। नहीं, इन्होंने किया क्या, इसके क्या अभी लोग किस लिए बना रहे हो, अभी इनके हैं कोई कारनामे? नमस्ते, राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अगेन से एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी, यानी कि रहीम यार खान, जो कि हमारे शहर के पास ही है। और वहां पर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज हमारे हिंदू भाइयों की जो टीम है, जो कि हमारे शहर की ही है, उनका जो है तो आज मैच है। तो यहाँ पर कुछ दोस्त मेरे साथ खड़े हुए हैं और कुछ लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ लोग पीछे अभी आ रहे हैं। तो इस टीम के अंदर टोटल हमारे हिंदू भाई ही हैं, तो हमारे हिंदू भाइयों की टीम है और आज यानी कि मैच होने वाला है हमारे हिंदू भाइयों का। यहाँ पर ये देखें, ये हमारे दोस्त। राम राम, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज। मेरा नाम संजू चौहान है। संजू चौहान। आपका नाम? हंस चौहान। हंस चौहान, लिटिल ब्रदर। समीत ठाकुर। समीत ठाकुर चौहान। चौहान भी कहा करो यार, आप भी चौहान हो ना, ये नहीं हो चौहान? चौहान। तो दोस्तों अभी हम रास्ते में रुके थे, हमने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों के साथ भी चीजें वो शेयर करता रहता हूँ जो हम एंजॉय कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा आज ब्लॉग बना लेते हैं। तो चलो चलते हैं, आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बाकी ये देखें, ये रोड है पाकिस्तान की, देख सकते हैं। और ये चिन्नू भाई पाकिस्तान का है तो, और ये रेलवे ट्रैक है, आप देख सकते हैं। ये साथ ही यहाँ पर ट्रेन भी आ चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं सामने ही आ रही है। और दोस्तों अभी जिस शहर में हम जा रहे हैं ना, वो हमारे शहर का डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जिला है। तो इस जिले के अंदर यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, जो कि सामने ही है। है तो वैसे थोड़ा सा दूर, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये एयरपोर्ट है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यानी कि रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में एक एयरपोर्ट भी है। तो दोस्तों अभी देखें, ये जो है ये एयरपोर्ट है। दोस्तों चलो आज के व्लॉग को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं आज का सारा माहौल। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं क्रिकेट के ग्राउंड में, और ये एक यानी कि कॉलेज है, जरी कॉलेज इसका नाम है। तो ये जो ग्राउंड है आप देख सकते हैं, ये रहा ग्राउंड। तो ये ग्राउंड इसी कॉलेज का हिस्सा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट वगैरह खेलते रहते हैं। तो आज की डेट में हमारे हिंदू भाइयों की जो टीमें हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं, उनका यानी कि उनकी सीरीज़ है तो क्रिकेट की। और ये हमारी टीम यहाँ पर बैठी हुई है, जो कि अभी हाफ है, बाकी रहती है जो अभी रास्ते में आ रही है। राम राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? पूरन जी। पूरन जी, तो आप किसकी टीम में हैं? यंग टाइगर सादकाबाद की टीम। यंग टाइगर सादकाबाद की टीम में। तो दोस्तों यानी कि हमारी जो सादकाबाद की टीम है, ये उन्हीं की टीम में है, तो ये मतलब ये हमारी टीम है सादकाबाद की। तो दोस्तों ये है एक सिंपल सा ग्राउंड, आप देख सकते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर सामने खड़े हैं और कुछ जो हमारी टीमें हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं। तो ये है ग्राउंड। बाकी हमारी जो सादकाबाद की टीम है, उसके जो कैप्टन है वो सामने खड़े हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे हाल वाल लेते हैं थोड़ा सा। तैयार हो रहे हैं हमारे कैप्टन, तैयार हो रहे हैं। ये देखें, लुक चेक करें। राम राम। जय श्री राम। कैसे हो? ठीक हो। क्या नाम है आपका? विनोद ठाकुर। विनोद ठाकुर, इनसे ऑलरेडी आप लोगों से मुलाकात करा चुका हूँ, जो कि लास्ट एक व्लॉग हमने बनाया था हिंदू बॉयज लाइफ इन पाकिस्तान। हमारे नाम देखें। हाँ हाँ, ये देखें पीछे विनोद ठाकुर। तो ये जी हमारी जो टीम है सादकाबाद की, उनके ये कैप्टन है। उस्मान भी आए खड़े हैं। ये कौन है? ये मलक उस्मान, उस दिन आपको फुटों पे इनको वो कराई थी। मैं वही कहने वाला था अभी। और इसके अलावा दोस्तों ये जो हमारे दोस्त है ना, विनोद ठाकुर और फैसल भाई, तो ये एक व्लॉग मैंने बनाया था, जो कि इनका जो व्लॉग बनाया था ना, इन्हीं की वजह से मेरा व्लॉग वायरल हुआ था। और उस व्लॉग का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, हिंदू बॉयज लाइफ इन पाकिस्तान। अच्छा, तो विनोद भाई मुझे ये बताएंगे कि आपकी टीम में कितने खिलाड़ी हैं इस वक्त? हमारी टीम में है 9-10, वैसे 11 होते हैं, 2-4 बंदे पीछे आ रहे हैं। अच्छा, अभी आ रहे हैं, मतलब कि टीम पूरी है? दो कोचेज हैं, टीम पूरी है हमारी। अच्छा, तो कितने ओवर का मैच होने वाला है? 7 ओवर का होगा। 7 ओवर का होगा। और यहाँ पर कितनी टीमें आई हुई? 4-5 टीमें होंगी। 4-5 टीमें हैं जी। ब्रदर आपका नाम क्या है? मलिक उस्मान। आपकी आवाज़ नहीं निकल रही। थोड़ा सा गला खराब है इसमें। क्यों यार? बस वो 14 अगस्त से गुजर गई है, रैलियों में जो नारे लगाने थे वो तो गुजर गई है। बस वो रात, रैली आजादी किस चीज की, हम तो आजाद नहीं है। हम तो समझ ले कैद में है ना। अच्छा, कौन सी कैद में आप? यही जो जी रहे हैं इस तरह की थोड़ी जिंदगी, ये पाकिस्तान में बंदा सिर्फ दलील ही हो रहा है, वो कुछ भी नहीं। सही। तो आप किसकी टीम में है? हम कोच है इस टीम के, यंग टाइगर सादकाबाद के, तो हम अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा गाइड करेंगे यहाँ पे। क्या बात है, बताएंगे किस तरह खेलते हैं। ये भी बताता चलो, हमारी टीम के बेस्ट कोच हैं।
बेस्ट कोच। ये हाइट में ऐसे नजर आते हैं, एज बड़ी है इनकी, 35 साल के बाबे हैं ये। ओह माय गॉड, 35 साल एज। खाने हमारी क्रिकेट स्टार्ट करना इन्होंने किया, ठीक है। हमें इंसान को तजर्बा होना चाहिए बस, क्योंकि इंसान तजर्बे की बुनियाद पे कोई भी अगर आपको बैट्समैन तंग कर रहा है या बॉलर तंग कर रहा है, तो अगर आपके पास तजर्बा है तो फिर आपके लिए कोई मसला कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, बाकी मजीद लड़के खेलेंगे इंशाल्लाह, अच्छा परफॉर्म करेंगे उम्मीद है, क्योंकि लड़के सब गेम में हैं। बस एक बात का दुख है कि विनोद की तबीयत आज थोड़ी खराब है, तो इसका बल्ला जो है ना सबसे ज्यादा लग रहा था, ये वन मैन शो होना था, इसने आज जितना अच्छा हो सका उतना अच्छा कोशिश करें। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ट्राई तो करते ही हमारे भाई हर मैच में, और आज भी परफॉर्मेंस तो देंगे जितना बेहतर। हाँ बिल्कुल, और आज भी होपफुली है कि ये आज भी अपना काम दिखाएंगे। कैप्टन साहब, क्या सिचुएशन? मैं और चिन्नू आ रहे हैं बैटिंग पे। अच्छा, टॉस जीत लिया आप लोगों ने? टॉस जीता है पहले बैटिंग। कितने कितने ओवर? 7-7 ओवर। 7-7 ओवर, ठीक है, चलें, गुड लक। आउट हो चुके हैं हमारे कैप्टन। कितने स्कोर मारे? 10-12 स्कोर मारे हैं। और कितना ओवर चल रहा है अभी? 2 ओवर 16 स्कोर हो चुके हैं। एक और यहाँ पर विकेट। हाँ ठीक है, चार हो गए। अच्छा बाउंड्री लगी हुई, 4 है भाई। हाँ जी कैप्टन साहब, तो कितना स्कोर बना? 60 स्कोर बनाया है 6 ओवर में, तो मतलब एवरेज तो बन गया, सही एवरेज है, 10 की एवरेज है। नहीं इन्होंने किया क्या, इसके क्या भी लोग किस लिए बना रहे हो अभी, इनके हैं कोई कारनामे? उसका बनाओ जिसने 4-5 छक्के मारे हैं, गैरत मर गई है वो, देखो पूरी टीम में सबसे ज्यादा लंबा जाता है उसका, ऊंट है ऊंट। एक मिनट, बहरहाल जो भी है इनके लिए बेस्ट विशेस हैं और होपफुली है कि विन करेंगे। यार टीम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मेरा भाई छोटा बेटा है, बहुत अच्छा खेला है, जिससे हमारा टारगेट तो बना है 10 की एवरेज है, खेलेंगे फाइट करेंगे, अगर बॉलिंग अच्छी करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको मिलवाते हैं सुमित ठाकुर से, तो इनकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी रही है, तो बताएंगे आपने कितने स्कोर मारे हैं? 6 बॉलों में 20 स्कोर मारे हैं, 3 छक्के लगा के आए हैं भाई, तो जितना भी स्कोर बना है वो इनकी बदौलत ही बना है। हो जाए। ये कैसा स्टाइल, हेलो हमारे कोच साहब देख कैसे पी रहे हैं। फूट पड़ा पे जो चाहे वो मंगवाए, फूट पड़ा ए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे किस चीज की बहस चल रही है, तो बहस इस चीज की चल रही है कि क्योंकि हमारी जो टीम है वो हार चुकी है मैच, तो अभी अभी हार के आई है और इसलिए इनकी बहस चल रही है। विनय भाई कैप्टन साहब हार गए, हाय। अच्छा खेली है टीम हमारी, वैसे तो आप लोगों ने पूरन भाई ने 2 कैच छोड़े हैं जिसकी बदौलत हम यहां हैं। जी कोच भाई साहब हार गए? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, क्या बात है। दोस्तों यहां पे एक और चीज आपको दिखाता हूं, ये देखें ये विकेट, यहां पर क्या लिखा हुआ है, हैप्पी दिवाली। तो ये आई थिंक दूसरी जो टीम है उनके शायद विकेट्स हैं, ये हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है, आई थिंक ये दिवाली भी इन्होंने ये विकेट बनवाई थी शायद। और दोस्तों फाइनली एक और सीरीज भी हमारी टीम हार चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं घर को। वैसे तो इनकी सीरीज चलती रही थी, मैं कहीं और चला गया था काम, तो अभी दो या तीन घंटे के बाद, बल्कि 2 घंटे के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, तो ये हमारी हाफ टीम अभी यहाँ पर खड़ी है,
तो बाकी जो वो हार कर चली गई घर पे। हाँ भाई कैसा लग रहा है आप लोगों को हारने के बाद? बहुत बुरा लग रहा है, रोने का दिल कर रहा है। चलें जो भी है गाइस अभी हम चलते हैं वापस घर की तरफ। तो ये रही हमारी बाइक और सुमित भाई, संजू चौहान भाई और हंसराज चौहान भाई। तो अभी हम जाते हैं बाइक पे घर सीधा वापस। चलें